अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है और आज हम पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक की एक हम्द। टेक्स्ट बुक में हमारा पहला टॉपिक है हम रीडिंग करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसकी हम करते हैं रीडिंग, पढ़ाई करते हैं पहले हम उसकी। पेज नंबर एक, पहला बताइए मुझे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द किसे कहते हैं बताइए मुझे जी। हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। जिसमें अल्लाह ताला की हम तारीफ बयान कर रहे हों, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, उसकी नेमतों को हम सराह रहे हैं, उसे कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, उसे हम्द कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, वो रहमान है, वो रहीम है, वो वदूद है, वो खालिक है, वो मालिक है, सब हैं। कभी जानने की कोशिश की इन अल्फाज के मायने क्या हैं। जैसे खालिक एक वर्ड है, खालिक के क्या मायने होते हैं? खालिक, खालिक यानी के पैदा करने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला, बनाने वाले को खालिक कहते हैं और अल्लाह ही हमारा खालिक है। सही है, चलिए जी रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं इसकी। अल्लाहु अकबर की सदा कहती है सबसे बरमला, अल्लाहु अकबर की सदा कहती है सबसे बरमला, तेरा खुदा मेरा खुदा, सबका खुदा सबसे बड़ा। बिल्कुल, हर वक्त हमें सदा सुनने को मिलती है अल्लाहु अकबर की। हम 5 वक्त की नमाज़ जब अज़ान होती है हमारे यहाँ, तो तब भी अल्लाहु अकबर सदा गूंजती है हमारे कानों में। और ये बरमला है, खुल्लम खुल्ला है, कि डरने किसी का खौफ नहीं है मुसलमानों को, और ये हम करते हैं। तेरा खुदा मेरा खुदा, सबका खुदा सबसे बड़ा, हमारा आपका मेरा सबका खुदा एक ही है और सबसे बड़ा है वो। सूरज सितारे आसमान ये चांदनी ये कहकशा, चश्मे पहाड़ और वादियाँ, दरियाँ समंदर नदियाँ, जंगल ये सहरा गुलिस्तान, हूर फरिश्ते अंश वजा जंग, ये गायें भैंसें बकरियाँ फूल फल और ये खेतियाँ। अल्लाह की सब नेमतें हैं, सूरज सितारे आसमान चांदनी कहकशा चश्मे, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उसने हमें दी हुई हैं। हूर फरिश्ते, हूर भी हैं, हूर जन्नत में मिलेंगे, फरिश्ते भी हैं जो हमारे हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, इंसान और दूसरे जानवर, नदियाँ हैं, वादियाँ हैं, चश्मे हैं, जंगल हैं, सहरा है, गुलिस्तान है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं जो उसने हमें दी हुई हैं। बरसात ठंडी सर्दियाँ, पतझड़ बहार गर्मियाँ, बादल सावन की घटा, बारिश थनक ठंडी हवा ठंडिया, ये तमाम मौसम हैं। बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, पतझड़ का मौसम, बहार का मौसम, गर्मी का मौसम, बादल घटाएँ, धनक ठंडक, बारिश, ये सब अल्लाह ताला के मौसम हैं उसने हमें नवाजे हुए हैं। उसने हैं सब पैदा किया, सब कुछ हमें उसने दिया, हर लब पे उसकी सना कहती है, हर शे बरमला। बिल्कुल, सब कुछ उसने हमें दिया है हमारे ही लिए, और हम पर ये फ़र्ज बनता है कि हम उस रब की सना बयान करते रहें हर वक्त। सना कहते हैं तारीफ़ करना, और हम पे ये फ़र्ज़ बन गया जब इतना उसने हमें इतना सब कुछ दे दिया ज़िंदगी में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर वक्त उसकी सना करते रहें। कहती है हर शे बरमला, और हर शे भी कहती है इंसान, तो इंसान हर शे जो उसने बनाई है वो उसकी सना बयान करती है। तेरा खुदा मेरा खुदा, सबका खुदा सबसे बड़ा, तेरा खुदा मेरा खुदा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। बहुत अच्छी है हम्द, कैस चौधरी ने लिखी है ये, बहुत 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 नाइस, पढ़ के सुकून मिलता है, आप भी पढ़ा करें ऐसी चीज़ें। अब हम इसमें करते हैं क्या, अंडरलाइन करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 2 में शायद, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, वो अल्फाज जिनमें हमें आखिर में एक जैसी आवाज़ आ रही हो उसे हम एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज कहते हैं। जैसे सदा, सदा बरमला, सदा बरमला, ठीक है, आसमां कहकशां, आसमां कहकशां हैं एक जिससे आवाज़ वाला वर्ड, ये हैं वादियाँ, नदियाँ, गुलिस्तां जा, बकरियाँ
खेतियाँ, सर्दियाँ गर्मियाँ, और क्या है, घटा हवा, सही। इस समय यह आपको मिल गई हैं एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। आपको और मिले तो आप और भी कर सकते हैं, मैंने कुछ कर दिए हैं, कुछ आप भी कर सकते हैं, इसके अंदर से आराम से कर लीजिएगा, आपको आता ही करना। एक जैसे आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जिसमें आखिर में, आखिर के जो अल्फाज होते हैं वो सेम होते हैं, और हमें उसकी आवाज़ जो आती है वो तकरीबन सेम लग रही होती है, इसलिए उनको एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।